यो व्हाट्सअप गाइस, आज मुझे चपाती भाई को देना है मस्त वाला चैलेंज जो कि मैंने पेपर के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। इधर चले गए यार चपाती भाई। ये रे चपाती भाई, क्या साफ की तरह धूप सेक रहे हो भाई, अंदर आओ। आपके लिए मैंने बड़ी स्पेशल चीज तैयार करके रखी है भाई। पहले आप मुझे एक बात बताओ, आप बुजदिल हो या शेर हो? आंसर तो आंसर। अच्छा तो फिर ये वाला चैलेंज करके दिखाओ। ये भाई मैंने टिश्यू के ऊपर लिख के रखा है। अरे आप देखो तो सही, ये आपका चैलेंज है भाई। आपने बोला था कि आप शेर हो, अभी आपको चैलेंज करना पड़ेगा। अरे आपको करना पड़ेगा, अरे आपको करना पड़ेगा। तेरे को पता भी है 500 कैलोरीज कितनी होती हैं? भाई यही तो चैलेंज है भाई। मुझे पता था यार ये आप बहुत बड़े नूब हो, नूबड़े ये चैलेंज करते ही नहीं हैं। ओहो क्या कर रहा है? आज ये तेरा चैलेंज मैं करके दिखाऊंगा। चलो इसी खुशी में आज नाश्ता भी मैंने बनाया है। सीरियसली आज मैं आपको दिखाता हूँ किसको नाश्ता बनाने जाता है। मेरे को पता भी नहीं था, मेरे को एक्चुअली चेकआउट कर रहा है कि क्या बना रहा है ये। वो भाई साहब, ओ भाई खतरनाक। अरे चार अंडे खाएगा पागल है तू क्या? अरे वो कुछ भी नहीं है भाई, देखो साइड में ये अंडे खा के मरेगा। ओ जला मत दिया ओए। अरे टेंशन मत करो, अभी मुझे इसके ऊपर सिर्फ थोड़ा सा नमक भी डालना है। ये थोड़ा सा है, ये मारेगा ये। अरे भाई हमें मोटी कैलोरीज वाला नाश्ता चाहिए। Let's go. ये देख रहे हो गाइस कैसे कड़छियां भरे भरे अपनी प्लेट के अंदर डाल रहा है, अपनी प्लेट के अंदर। चपाती भाई आप कितना लोगे? भाई इंद्रन दे भाई, दिमाग खराब मत कर, ट्रोल कर रहा है मेरे को। आप कितना लोगे भाई? थोड़ा सा रहम कर दे भाई, कड़छियां पूरी भरी भरी डाल रहा है ये। मुझे लग रहा है 50 कैलोरीज इजी। ओके 50 तो नहीं होगी, एटलीस्ट 15 तो होगी कैलोरीज। तो ये देख रहे हो कैसे फुल ऑन नाश्ता मार रहा है। ये एटलीस्ट 800 कैलोरीज होगी, 800 कैलोरीज। जो मैं सिर्फ मेरे को 500 कैलोरीज का स्टॉक देकर रखा हूँ। 500 कैलोरीज पता कितनी होती है? 5 अंडे जो कि मैं एक टाइम पे खा जाता हूँ। बहुत भूख लगी है मेरे को यार, लेकिन अभी चैलेंज लिया तो पूरा करके जाएंगे। अपना नाश्ता तो यार एकदम से मस्त है। चपाती वाले को देखो कैसे नाश्ते की तरफ देख रहे हैं भाई। अरे एक चम्मच ले लो, कुछ नहीं होता, 500 कैलोरीज नहीं है एक चम्मच में। अभी पानी मेरी यहाँ पर एकदम से सिंपल है, तो मेरी प्लेट और इसके अंदर मैं डालूंगा सिर्फ एक अंडा। तो अगर मैं इंटरनेट के ऊपर सर्च करूं तो मेरे को पता लगा कि एक अंडे के अंदर होती है 90 कैलोरीज। तो मैं एक नहीं खाऊंगा, मैं से खाऊंगा इसका आधा। तो ये होगी मेरी 45 कैलोरीज। तो अभी मेरे पास जो है गाइस 450 कैलोरीज का स्टॉक बचा हुआ है, जो कि मेरे पूरे दिन इसके ऊपर काम चलाना है। और अभी गाइस हम सर्च कर रहे हैं हाउ मेनी कैलोरीज इन चाय। ओके लेकिन चाय पीने से पहले मेरे को पता लगाना है कि चाय के गिलास के अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं। तो एक छोटा कप होगा 100 ml का, उसके अंदर होती है 77, और एक मीडियम कप होगा 154, और एक लार्ज कप होगा 231। तो एक काम करते हैं, मैं पीऊंगा आज मीडियम कप, क्योंकि चाय के मीडियम वाले ग्लास के अंदर होती है 154 कैलोरीज, और मैं 45 कैलोरीज ऑलरेडी खा चुका हूँ। मतलब कि मैं गया, आप तो अलग से खा चुके हो। 200 कैलोरीज का कोटा मेरा ऑलरेडी पूरा हो चुका यार। तो अभी आपको बनानी है मीडियम कप चाय। वैसे तो हमारे पास ऑलरेडी मीडियम कप पड़े हुए हैं। अरे वो एक ही मीडियम कप का साइज है, बोलते हैं क्या? अरे भाई मैं तो फुल कप पीऊंगा 200 वाला। और मेरे को आज की चाय चाहिए गाइस स्ट्रॉन्ग, क्योंकि लॉगी मेरी दिमागी हालत पूरी खराब कर रहा है। 150 कैलोरी यहाँ पर गई। ओके बस, तो खाना पीना अपने से पूरा हो चुका है। वैसे खाना पीना क्या बहस की, सिर्फ चाय पिया मैंने यार, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है यार, लेकिन मैं इतना चीजें खा भी नहीं सकता। लेकिन अभी मेरे पास एक प्लान आया है। आगे बता करियो एप्पल के अंदर कितनी कैलोरीज होती है? देखो एप्पल के अंदर कितनी कैलोरीज है, 52। मतलब कि अगर मैं आधा एप्पल खाता हूँ तो मेरे को 25 कैलोरीज मेरी वहाँ पर बचत हो जाएंगी उसकी। ओ, और अगर मैं फ्रिज खोल कर देखूं तो ऑलरेडी आधा पड़ा हुआ है। नाइस। मेरे को लगा था कि यहाँ पर गाइस पेन आए हैं, मस्ती वगैरह करेंगे, बिरयानी वगैरह खाएंगे, सेब खा रहा हूँ। चैलेंज किसी भी हालत में पूरा करके रहेंगे हम लोग। और बाकी का जो खाना पीना है जो मेरे बचा हुआ है करीब 275 कैलोरीज, वो बाहर जगह कहीं पकड़ते हैं। और दूसरी बात गाइस, अभी हम जा रहे हैं बाहर और मेरे को घूमना फिरना भी आज बहुत ज्यादा, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, अगर मैं जितना घूमूंगा उतनी मेरे को भूख लगेगी, और जितनी भूख लगेगी उतनी मेरे को कैलोरीज खानी पड़ेंगी। तो मेरे को आराम आराम से चलना यहाँ पर ऐसे।
भूत की तरह। फंडा ये है कि अभी अगर मैं फ्रूट के ऊपर जिंदा रहता हूँ तो फ्रूट के अंदर होती है कम कैलोरी, तो मैं ज्यादा खा भी सकता हूँ और इतनी कैलोरीज भी नहीं बढ़ेंगी अपनी। वैसे यार आपका आइडिया तो एकदम से मस्त है। अभी चलते हैं एकदम से सुपर मार्केट। अभी रोज आ चुका हूँ सुपर स्टोर के अंदर और ये देखो यहाँ पर क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन जितनी भी चीजें जैसे फॉर एग्जाम्पल डोनट्स वगैरह मेरे को एक भी नहीं खानी भाई, क्योंकि एक डोनट के अंदर पूरी कैलोरीज काउंट मेरा पूरा हो जाएगा। और लीजिए शॉपिंग करने के लिए मैंने यहाँ से बास्केट भी ले लिया। देखो इसकी यहाँ पूरे डोनट चकट रहा है यार ये तो। चैलेंज आपको करना है, मुझे नहीं करना। हम ऑन यार ये गलत बात है यार ये। ये वाला लेंगे। आपको खाना है? आपको नहीं, रहने दे भाई। ढूंढो कहाँ से लाऊं यार, कुछ भी नहीं है खाने। नींबू खाऊं क्या? उठा लो, रहने दे। मेरे पास ना काजू फ्रेश की आई है, मैं यहाँ से लूंगा फ्रेश जूस, वो भी संतरे का। देख रहे हो इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं? अरे मुझे नहीं पता, बाद में देखेंगे। हेलो नाइस, देखो यहाँ से बन रहे हैं, मस्त मशीन है ना, निकाल रहा हूँ खतरनाक मशीन है ना। और मेरे को बोतल होल्ड करने की जरूरत भी नहीं है, ये देखो उठते भी ऑटोमेटिक फंडे हैं भाई, ये तो स्पेनिश टेक्नोलॉजी बन गया ना जूस। मैं तो भैंस की पूरा भर के लूंगा इसको तो। यार मेरे को ये वाला बहुत ज्यादा ही पसंद आ रहा है, इधर ला। तो इसके अंदर कैलोरीज 250 भैंस की, मतलब एक बोतल पूरे दिन का कोटा ही है। रखो वापस इसको। और गाइस मेरे को पता है कि जूस से कुछ नहीं होने वाला, बट एट द सेम टाइम मैंने अपने लिए ग्रेप्स भी लेकर रखे हुए हैं। बेसिकली इसके अंदर 4 संतरे और एक संतरे के अंदर होती है 40 कैलोरीज, तो मतलब की मैं इसको इतना पी सकता हूँ और मेरी हो जाएगी 300 कैलोरीज। ठीक है ना? ठीक है। चलो बस चुप कर। अरे भाई खाना पीना खाकर एकदम से मजा आ चुका है। वैसे कुछ खाया तो है नहीं, भैंस की सिर्फ जूस ही पिया, बट इनफ है मेरे लिए। थोड़ी बहुत मेरी पेट की पूजा हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर मेरे को ये व्यू एंजॉय करना, देख रहे हो एकदम जबरदस्त। और उसके बाद करते हैं अपना डिनर। क्या है डिनर में? अंगूर। और ये रहा गाइस मेरा डिनर। इतने में हैंड रोल्ड कैलोरीज इजी होंगी, पकड़ इसको बंद कर दे। वैसे यार जैसे मैंने सोचा था अब तो उससे बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहे हो, मुझे लगा अब नाश्ते में ही हार जाओगे। नहीं 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 भाई, चैलेंज पूरा करता हूँ मैं। टेस्टी यार ये वाला तो। वैसे अगर देखा जाए ना तो मैं सुबह से अब तक दोपहर हो रही है, मैं 400 कैलोरीज खा चुका हूँ ऑलरेडी, मतलब कि सिर्फ 100 कैलोरीज बची हैं और मेरे को रात तक ये मैनेज करनी है। और अभी रोज आ चुका है शॉपिंग सेंटर के अंदर, यहाँ पे मेरे को देखना है कि 100 कैलोरीज मेरे पास बची हुई है उसका मैं क्या खा सकता हूँ अभी और शाम को। मेरे को ये नूबड़ा यहाँ पर भूखा घुमा रहा है और खुद देखो आइसक्रीम नहीं खा सकता भाई, कैसे मार रहा है यार ये। रोज कसम से बता रहा हूँ मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है और भूख के नाम पर ये मेरे को सिर्फ ये पोकेमोन के कार्ड ही दे रहा है। खुद देखो 20 कैलोरीज सब 20 और 20 ये 5 कैलोरीज और खाई, 5 कैलोरीज और निकालो निकालो। ये इतना चोमू बंदा है हर एक शॉप के अंदर घूम रहा है और खाने की जो चीज है ना जिसको चैलेंज में चाहिए वो मेरे से वो मेरे को पकड़वा रहा है। मैंने अभी नोटिस किया भाई देखो स्टाइल कहां पर तीसरा ही पैनल। आई थिंक आपको फिर से अंगूर लेने पड़ेंगे। पर क्या वे खान लो कुछ दे दे भाई, खान लो कुछ दे दे यार, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। क्या हुआ मेरे को यहाँ वहाँ फालतू के व्यूज दिखा रहा है मेरे को भाई, रोटी दे प्लीज यार। वैसे देखा जाए यार क्या मस्त व्यू है। ओह क्या कर रहे हो? पानी पी रहा हूँ भाई। पानी पी सकते हो भाई, पानी में कैलोरीज नहीं है। ज्यादा मत पीना, आपको पता ना सिर्फ आधी बोतल अलाउड है। वैसे यार बोलो कैसा है? मिल्क शेक यहाँ का है, इन लोगों को मिल्क शेक खाना नहीं आता। मैंने सिर्फ एक ही कूट किया ठीक है, तो इससे मेरी कैलोरी काउंट नहीं होगी ठीक है भाई। अभी ठीक है। और हम खाएंगे ऐसी चीज जो की मेरे को कभी निराश नहीं करती, साथ में जाएगी हल्की सी पेपर। ऐसे बताओ कि ये बेल पेपर प्लस एक अंडा कितनी कैलोरीज है? ये होती है अबाउट 90 कैलोरीज और अबाउट 10 कैलोरीज ये होंगी। 10 कैलोरीज के वेजिटेबल्स हैं। वेजिटेबल्स में कैलोरीज नहीं होती, तो मैं फिलहाल ठीक चल रहा हूँ और ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ शाम भी हो चुकी है तो ये मेरा लास्ट मील होगा दिन का। वैसे यार मानना पड़ेगा यार, मुझे नहीं पता था कि आप 500 कैलोरीज में पूरा दिन गुजार पाओगे। ये रहा मेरा एकदम से प्लेन डिनर, एकदम ऑल राइट लग रहा है यार। ओके अगर इसको टेस्ट करके देखूं तो ठीक है। और अभी खाना पीना खा के ब्रोस एकदम से मस्त वाली फील आ रही है, तो यार फिलहाल मैं पानी के ऊपर ही जिंदा हूँ। जब भी मेरे को भूख लगती है तो मैं हल्की सी सिप ले लेता हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरे को तसल्ली मिल जाती है। तो चलिए ब्रोस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।